दोस्तों एक तरफ फिलिस्तीन के मुसलमानों का हाल देखो, उन पर किस कदर जुल्म किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का हाल देखो, मुसलमान किस तरह से पार्टियां कर रहे हैं, इफ्तार पार्टियों में जश्न मना रहे हैं। वो भी तो इसी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जिनकी माँ और बहनों के साथ गलत काम किया जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। वो लोग रोड पर आ चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं बचा है, उनके बच्चे घास खाने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये सब देखने के बाद भी भारत का मुसलमान इफ्तार पार्टियों में जश्न मना रहा है, बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जा रहे हैं और उन दस्तरखान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। क्या भारत का मुसलमान अपने फिलिस्तीनी भाइयों का दुख दर्द समझकर अपनी इफ्तार पार्टी चुपचाप आराम से घर में बैठकर नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, बड़े बड़े दस्तरखान की वीडियो बनाकर बड़े गर्व से सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है। कहा जाता है कि वह बड़ी शानदार इफ्तार पार्टी थी, बड़ा शानदार दस्तरखान लगाया हुआ था। इसी बीच फिलिस्तीन की कुछ वीडियो शेयर करते हुए विनय दुबे, जो कि एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी मशहूर हैं, बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, ये फिलिस्तीन की कुछ वीडियोस शेयर करते हुए लिखते हैं और एक वीडियो इन्होंने इफ्तारी की भी शेयर की हुई है, इफ्तार पार्टी की, जिसमें काफ़ी बड़ा दस्तरखान लगाया हुआ है। ये लिखते हैं, एक तरफ फिलिस्तीन में मुसलमान रोज़ भूख से मर रहे हैं और यहाँ भारत में इफ्तार के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है, लाजवाब इफ्तार करो भाई, पर ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर फिलिस्तीन के लोगों की लाशों की तोहिन मत करो। ये विनय दुबे ने लिखा है, जो कि एक गैर मुस्लिम है। उनको दोस्तों इतना एहसास हो रहा है फिलिस्तीन के मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। ये दोस्तों फिलिस्तीन के मुसलमानों की तोहिन हो रही है, किस तरह से, वो भी तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और ये भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। अभी दोस्तों एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई मुंबई के अंदर, जो कि हर साल कराई जाती है, बाबा सिद्दीकी के नाम से ये इफ्तार पार्टी कराई जाती है, जिसमें बड़े बड़े लोग को इनवाइट किया जाता है, इसमें बहुत सारे मुसलमान भी आते हैं। इस बार भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें काफ़ी सारे मुसलमान भी दिखे। सना खान, मुफ्ती अनस की भी वीडियो आप देख सकते हैं, ये भी इस इफ्तार पार्टी में आई, और भी बहुत सारे मुसलमान आए जो कि इस पार्टी में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जश्न मना रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों फिलिस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उनके पास पानी को वो मजबूर हो चुके हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलमानों का हाल देख सकते हैं, किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी इफ्तार पार्टियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है, बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।